होली का मौका है और लोग चटपटे और मीठे पकवान बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। इस बार आलू के मिनी समोसे ट्राई कीजिए। इन समोसों को आप होली पर घर आए मेहमानों को भी खिला सकते हैं और सभी लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो शुरू करते हैं मिनी समोसा बनाना। सबसे पहले एक बाउल में एक कप मैदा ले लेंगे और इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डालकर दो बड़े चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे मोइन के लिए। डालकर साफ हाथों से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा ज़रूरत पड़ने पर पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे। आटा तैयार है तो 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। इतना आटा रेस्ट करता है तो स्टफिंग तैयार कर लेंगे। 4-5 उबले हुए आलू लेकर उनका छिलका उतार लेंगे और साफ हाथों से मैश कर लेंगे या मैसर से मैश कर लेंगे। और इसमें बड़ी बड़ी गांठें नहीं होनी चाहिए, छोटा छोटे से ही गांठें होनी चाहिए। इसको ऐसा मैश करना है। ये देखिए आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मैश कर रही हूँ। अब इसमें बॉईल किए हुए मटर के दाने डाल देंगे और एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक छोटा चम्मच चाट मसाला, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक हमने स्टफिंग में भी डाला है, थोड़ा ही डालना है। और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालकर इन सभी मसालों को आलू में मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देना है। तो सभी मसाले आलू में मिक्स हो चुके हैं। अब एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच ऑयल गरम करना है और उसमें साबुत धनिया को हाथ से क्रश करके डाल देंगे और जब धनिया भुन जाएगा तो एक पिंच हींग डालकर पूरा आलू मसाला डाल देंगे और हल्की आंच पर भून लेंगे। स्पैटुला से हल्का हल्का सा मैश कर लेंगे जिससे मटर मैश हो जाएगी। और अब लो फ्लेम पर ही इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो तैयार है हमारा आलू मसाला। अब इस स्टफिंग को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब कवरिंग के लिए आटे को देखेंगे तो इसे थोड़ा सा हाथों से मलकर सॉफ्ट कर लेंगे। अब इसकी लोइयां तोड़ लेंगे। अब हमें इसको बेलना है। बेलने के लिए यहाँ पर हमें चकला लेना है और उस पर थोड़ा सा सूखा आटा डालकर एक लोई को बेलकर पतली सी रोटी बना लेंगे। तो रोटी तैयार है। तो गिलास की सहायता से छोटे छोटे से सर्कल शेप में काट लेंगे इसको। एक कवरिंग लेंगे और इसमें आलू मसाला स्टफ करके समोसे का शेप देंगे। किनारों पर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे जिससे कि हमारा समोसा ऑयल के अंदर खुले नहीं। स्टफिंग हमें इतनी ही भरनी है जितनी कि इसके अंदर आ सके। ये देखिए ऊपर से इसको इस तरह से हमें बंद कर देना है, अच्छे से दबा दबा कर अंगूठे की सहायता से इस तरह से हमें इसको बंद कर देना है। ये देखिए एक समोसा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सारे समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने ये सर्कल शेप गिलास से दी थी काटकर जिससे कि हमारे समोसे सारे इक्वल बने। तो ये सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब समोसों को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे और ऑयल बहुत तेज गरम नहीं होना चाहिए, हल्के गरम तेल में ही समोसे फ्राई करेंगे जिससे समोसा क्रिस्पी बनेगा। और कम आँच पर ही समोसे को फ्राई करना है। एक बैच में कम से कम बस 4-5 समोसे ही डालेंगे पहले वाले बैच में। अगर हमने ज़्यादा समोसे डाले तो तेल का टेम्परेचर
लो हो जाएगा और जो समोसा होगा हमारा बहुत ही ज़्यादा ऑयली बनेगा। तो अब इस तरह से तेल को इस तरह से करछी की सहायता से उछाल उछाल कर ये समोसे हम फ्राई कर लेंगे और गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है। तेज गैस पर समोसे अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से एकदम से गोल्डन हो जाएंगे। तो समोसे तैयार हैं, इनको निकाल लेंगे। अब सेकंड बैच में हम सारे समोसे एक साथ डाल सकते हैं क्योंकि ऑयल हमारा तेज गर्म है, लेकिन गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है जिससे कि हमारा समोसा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा और अंदर से भी अच्छे से सिक जाएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है समोसों का। अब इन समोसों को करछी की सहायता से तेल से निकाल लेना है। और गर्मा गर्म समोसे हरी चटनी और इमली के साथ सर्व करें। और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ये कि आपको कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को पसंद आने पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। नमस्ते, बाय बाय।